तो पूरे विश्व का राजनीतिक मानचित्रण हो चुका है आपका, कंप्लीट पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, कहाँ पे कौन सा देश है, उसकी क्या कैपिटल है, देख चुके हैं हम लोग। लोकेशंस भी आप लोगों के दिमाग में आ गई होंगी। सारे महादेश करवाए हैं मैंने, सारे के सारे महादेश क्रम से ए टू जेड। अब बात आती है भौतिक स्वरूप की, पूरे विश्व के भौतिक स्वरूप की, भौतिक विभाजन की, उच्चावच की, कहाँ पे क्या भौतिक तौर पे उपस्थित है उसे देखेंगे। पॉलिटिकल में हमने कृत्रिम सीमाओं को देख लिया था, पूरे विश्व में एक एक महादेश देखे थे। शुरुआत मैंने एशिया से की थी, फिर अफ्रीका महाद्वीप, फिर यूरोप महाद्वीप, फिर इसके बाद आपका उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, फिर ओशेनिया का, फिर अंटार्कटिका और फिर जीलैंडिया। टोटल सारे के सारे एक एक करके राजनीतिक स्ट्रक्चर आपका क्लियर कर दिया, स्पष्ट कर दिया। गारंटेड, मैं इस चीज़ की गारंटी लेता हूँ कि आप में से जिस बच्चे ने सारा कुछ किया होगा ए टू जेड ब्लैंक मानचित्र में और अपने एटलस में जो मैं दिखाता गया हूँ उसको यदि देखता चला गया होगा, तो आप सभी को 90% से ज़्यादा चीज़ें याद होंगी। ये फीडबैक आप लोगों का होगा, गारंटेड कहता हूँ, क्योंकि जिस तरीके से मैंने एक एक दिखाया है, इसके पास ये है, इसके पास ये है, आपको याद होगा। अब कुछ नहीं है, अब हम करेंगे भौतिक विभाजन। तो आज एशिया से शुरुआत करेंगे, एशिया से शुरुआत हम करने वाले हैं भौतिक विभाजन की, ठीक है। और आप देखे थे जब मैं आपको राजनीतिक पढ़ा रहा था, तो राजनीतिक पढ़ाते समय आप सभी को मैंने काफ़ी चीज़ें भौतिक भी बताई थी, सारी चीज़ें भौतिक भी काफ़ी चीज़ें डिस्कस की थी, ठीक है। जैसे कि एशिया को यूरोप से अलग करने वाली है ना, तो ये भौतिक तरीके से ही अलग होता है ना। यूराल पर्वत है, यूराल नदी है, कैस्पियन सागर है, काकेशस पर्वत है ना, काला सागर है, तो ये सब मैंने आपको बताया था भौतिक कारक ही हैं जो कि एशिया को यूरोप से अलग करते हैं, है ना। तो भौतिक भी मैं आपको बताता गया हूँ कई जगह पर, जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ी है भौतिक भी बताता गया हूँ। लेकिन अब बात आज से थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे, चीज़ों को करेंगे। दो काम करने हैं आप लोगों को, एटलस में चीज़ों को देखते जाना है, साथ साथ मेरे साथ साथ आपको क्या करते जाना है, चीज़ों को लिखते जाना है, बनाते जाना है, देखते जाना है, अपने एटलस में देखते जाना है। वाइट पेन कागज़ लेके बैठे हो, वाइट पेन कागज़ का सर्वोत्तम प्रयोग होना चाहिए, आपका हाथ चलना चाहिए सभी का। क्या होना चाहिए? हाथ चलना चाहिए, लेखनी चलनी चाहिए आपकी, लेखनी चलनी चाहिए। क्या चलनी चाहिए? लेखनी चलनी चाहिए सभी के। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मूक दर्शक बन के नहीं बैठना है ना, गुंगों की तरह नहीं बैठना आप लोग को, मूक दर्शक बन के कोई नहीं बैठेगा, स्पष्ट है। चलें आगे, स्टार्ट करें, प्रारंभ करें बेटा, सेशन को शुरू करें। चलिए शुरू करते हैं। ये आप देख रहे हैं एशिया है आपका, ठीक है, ये आपका एशिया है, मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट और कर लेता हूँ। अपने मानचित्र में एशिया का जो प्राकृतिक मानचित्र है वो जरूर देख लीजिएगा। देखिए जो एटलस होता है ना, एटलस में दो चीज़ें होती हैं, एक तरफ राजनीतिक होगा, एक तरफ प्राकृतिक होगा। ये देखिए जैसे एटलस है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है जैसे, ये देख रहे हैं ऊपर वाला जो देख रहे हैं, पूरा आपको हरियाली दिख रही है, हरा भरा दिख रहा है ना। ये आपका क्या होता है? प्राकृतिक होता है, प्राकृतिक मानचित्र। मैंने यूरोप का खोल रखा है और इधर एशिया है, मैं चलो एशिया का ही खोल लेता हूँ ताकि और क्लियर हो जाए आप लोगों को। ये एशिया है हमारा, तो ये प्राकृतिक के ऊपर वाला, ये राजनीतिक है, राजनीतिक देख चुके हैं। ये पूरा आपको अब सब रट गया होगा, कहाँ पे क्या है, क्या कहाँ पे नहीं, ये रट गया होगा। अब इसकी बारी है, इसका नंबर है, तो अब इसको अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। रैंडम ही बताऊंगा, देखो मैंने आपको देश और राजधानी भी रैंडम बताई थी, यहाँ पे भी रैंडम आपको बताता जाऊंगा, क्लियर है। तो देखिए ये आपका पूरा का पूरा एशिया महादेश है, और एशिया महादेश को आपको पता है कि एशिया को यूरोप से अलग करने वाले जो कारक हैं, यहाँ पे आपका यूराल पर्वत है, यहाँ पे यूराल माउंटेन है, ये मैंने पिछली क्लास में आपको बता दी थी। यहीं से आपकी यूराल नदी जाती है, यूराल नदी, यूराल पर्वत, यहाँ पे कैस्पियन सागर है, ये कैस्पियन सागर, ठीक है, यहाँ पे काकेशस पर्वत श्रेणी है, ये जॉर्जिया, आजरबैजान और आर्मेनिया के पास, और ये आपका काला सागर है, ठीक है। इतने कारक हैं जो कि एशिया को यूरोप से अलग करते हैं, एशिया को यूरोप से अलग करने वाले कारक ये हैं। तो ये आपका पूरा का पूरा ये जितना हिस्सा है, दिखा रहा हूँ मैं आपको,
यहाँ पे बहुत सारे द्वीप हैं, ये पूरा हिस्सा आपका एशिया कहलाता है, इतना हिस्सा आपका एशिया कहलाता है, ठीक है। अब एशिया का भौतिक विभाजन करते हैं। एशिया को भौतिक तौर पे हम पांच भागों में बांट सकते हैं, पांच भौतिक स्वरूप बांट सकते हैं एशिया का भौतिक विभाजन। एशिया का भौतिक विभाजन या प्राकृतिक विभाजन, प्राकृतिक तौर पे एशिया को कैसे बांट सकते हैं, जैसे कि आप लोगों ने देखा था कि मैंने राजनीतिक तौर पे भी बांटा था, सभी महाद्वीपों को राजनीतिक तौर पे मैंने बांट के दिखाया था आपको, है ना। ये बताया था उत्तर एशिया, उत्तरी एशिया, मध्य एशिया, पूर्वी एशिया, दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया, नॉर्थ वेस्ट एशिया, ऐसे करके हमने देखा था, मिडिल ईस्ट, ये सारी चीज़ें हमने चर्चा की थी। वैसे ही हम एशिया का प्राकृतिक विभाजन करेंगे, तो प्राकृतिक विभाजन के दौरान हम एशिया को पांच भागों में बांट देंगे। कितने भागों में बांटेंगे? पांच भागों में हम एशिया को बांट देंगे। कितने भागों में बांटेंगे? पांच भागों में हम एशिया को बांट देंगे। कितने भागों में बांटेंगे? पांच भागों में हम एशिया को बांट देंगे। ये पांच भाग कौन कौन से हैं, क्रम से देखिएगा। सबसे पहले उत्तरी निम्न भूमि क्षेत्र, सबसे पहला है उत्तरी निम्न भूमि क्षेत्र, क्षेत्र सबसे पहला क्षेत्र ये है, ठीक, उत्तरी निम्न भूमि क्षेत्र, ठीक। दूसरा है मध्यवर्ती पर्वत श्रेणियां, दूसरा है आपका मध्यवर्ती, मध्यवर्ती पर्वत श्रेणियां, इसको ब्लैक कर लेते हैं, पर्वत श्रेणियां। आप भी लिखते जाइए, आप साथ साथ लिखते जाएगा, अभी मैं दिखाऊंगा भी आपको। पहला आपका उत्तरी निम्न भूमि क्षेत्र, दूसरा है मध्यवर्ती पर्वत श्रेणियां, ठीक है। तीसरा है आपका दक्षिणी पठारी क्षेत्र, दक्षिणी पठारी क्षेत्र, पठारी क्षेत्र। चौथा तरीका है आपका, चौथा है नदी घाटियां, बहुत सारी नदी घाटियां पाई जाती है, नदी घाटियां, नदियां बहुत हैं इसमें, नदी घाटियां, नदी घाटियां। एक चीज़ और आपको बताएं, एशिया को सभ्यताओं का पालना कहा जाता है, यहाँ पे बहुत सारी सभ्यताओं का जन्म हुआ, बहुत सारी सभ्यताओं का विकास हुआ, जो विश्व की प्राचीनतम सभ्यताएं हो यहीं इसी नदी घाटियों क्षेत्र में क्या हुई, बसी। जैसे कि आपको दजला फरात वाला जो क्षेत्र है, इराक वाला क्षेत्र है, यहाँ पे मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, विश्व की प्राचीनतम सभ्यता है ना। उसी प्रकार से नील नदी के किनारे मिस्र की सभ्यता थी, मिस्र की सभ्यता है ना, ये भी पहले, मिस्र भी एशिया का काफ़ी, मिस्र का भी कुछ हिस्सा एशिया में आता है। इसी प्रकार से आपका जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, इसके किनारे सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। उसी प्रकार से हुआंगहो नदी के किनारे पीली पीली सभ्यता है ना, तो ये सभ्यताओं का पालना कहा जाता है। इस क्षेत्र में सभ्यताओं का विकास हुआ, विश्व की प्राचीनतम सभ्यताएं एशिया में देखने को मिलती हैं, ठीक है। और एशिया जो है हमेशा व्यापारिक तौर पे यूरोप का आकर्षण का केंद्र बना रहा, यूरोप के लोग, तभी तो एशिया के बाद में औपनिवेशिक इरा में एशिया को गुलाम भी बनाया गया, सभी के सभी देश गुलाम थे एशिया के, ठीक है। तो नदी घाटी क्षेत्र, और पांचवें यहाँ पे एशिया में एक चीज़ और पाए जाते हैं। देखो, जब किसी चीज़ का प्राकृतिक विभाजन दिखाते बनाते हैं, तो प्राकृतिक विभाजन का मतलब होता है कि प्रकृति ने कैसा स्वरूप बनाया है एशिया का। तो एशिया में बहुत सारे निम्न भूमि क्षेत्र हैं, मध्यवर्ती पर्वत श्रेणी क्षेत्र हैं, पठारी क्षेत्र हैं, घाटियाँ हैं यहाँ पर, और क्या है, द्वीप समूह है, बहुत सारे द्वीप समूह भी यहाँ पर पाए जाते हैं, द्वीप समूह भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? द्वीप समूह भी पाए जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका जो है आप देख सकते हैं, ठीक। उत्तरी निम्न भूमि क्षेत्र यानी ये मैदानी क्षेत्र है, मैदान वाला हिस्सा है, ठीक है। ये पर्वत वाला क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र है, ये आपका घाटियों वाला क्षेत्र है, और द्वीप समूह। बस ये पांच चीजें एशिया में पाई जाती हैं। अभी मैं बस कह रहा हूँ आप लोगों को, है बहुत, मतलब कि अब अभी एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले उत्तरी पर्व निम्न भूमि क्षेत्र को देखेंगे, फिर इसके बाद हम ये क्षेत्र कहाँ कहाँ पे है, किस किस रीजन पे, ये पूरा क्षेत्र आपको दिखेगा, ठीक है। और इसके बाद जो है मध्यवर्ती पर्वत श्रेणियाँ कहाँ पे है, पठारी क्षेत्र कहाँ है, नदी घाटी क्षेत्र कहाँ है, द्वीप समूह कहाँ है। लिख लिया सभी ने ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, ठीक। अब सबसे पहले देखते हैं एशिया का जो आपका ये वाला हिस्सा है, यहाँ पे आपको मैंने क्या बताया, उत्तरी निम्न भूमि क्षेत्र, क्या बताया, उत्तरी निम्न भूमि क्षेत्र। अब इसी पे मैं बांट देता हूँ पूरा का पूरा हिस्सा आपको बांट भी देता हूँ। देखिए, अब पूरा पूरा हिस्सा बांट देते हैं तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। एशिया को पाँच भागों में अब बांट भी देते हैं, ठीक है। एशिया को पाँच भागों में बांट देते हैं,
ठीक है, ये रहा एशिया। अब इसको थोड़ा सा इसका विभाजन कर देते हैं हम लोग, एशिया का विभाजन कर देते हैं। ठीक, सबसे पहले उत्तरी निम्न भूमि क्षेत्र, ये वाला हिस्सा देखिए, यहाँ यूराल पर्वत से लेकर के ये जो साइबेरिया वाला क्षेत्र है, यहाँ पे बहुत सारी नदियाँ बहती हैं, यहाँ पे कई सारी नदियाँ बहती हैं, इस पूरे रीजन पे बहुत सारी नदियाँ बहती हैं, आर्कटिक महासागर है ऊपर, आर्कटिक महासागर में अपना जल गिराती हैं। ये आपका क्षेत्र है उत्तरी निम्न भूमि क्षेत्र, ये साइबेरिया का मैदान है, यहाँ पे साइबेरिया क्षेत्र है, रूस का पूरा क्षेत्र है, यहाँ पे ओब नदी बहती है, यहाँ पे ओब नदी बहती है, यहाँ पे येनसी रिवर बहती है ना, यहाँ पे आपकी लीना नदी बहती है, लीना रिवर बहती है। तो ये पूरा क्षेत्र आप देखिए ना, ये कैसा क्षेत्र है आपका, यह ये पूरा साइबेरिया का क्षेत्र है, ये कैसा क्षेत्र है, साइबेरिया का क्षेत्र है, कैसा क्षेत्र है, साइबेरिया का। तो इसी को बोलते हैं उत्तरी निम्न भूमि क्षेत्र, ये क्या है, उत्तरी निम्न भूमि क्षेत्र, निम्न भूमि क्षेत्र, डन, पहले नंबर पे ये आ गया आपका। ठीक है, अब अगला चलते हैं दूसरे नंबर पे। दूसरा क्या है आपका, मध्यवर्ती पर्वत श्रेणियां, यहाँ पे बहुत सारी पर्वत श्रेणियां हैं, ये देखिए यहाँ पे मध्य वाले क्षेत्र में बहुत सारी पर्वत श्रेणियां हैं, ये तियान शान है, यहाँ पे देखिए एक पर्वत श्रेणी है तियान शान, यहाँ पे देखिए एक पर्वत श्रेणी है हिमालय पर्वत श्रेणी, ठीक है, हिमालय पर्वत श्रेणी, यहाँ पे एक कुलनुंग शान, यहाँ पे एक कुलनुंग शान पर्वत श्रेणी है, तियान शान, कुलनुंग शान, है ना। और चलिए यहाँ पे किरथर रेंज है, पाकिस्तान में किरथर पर्वत श्रेणी है, सुलेमान पर्वत श्रेणी है ना, सुलेमान पर्वत श्रेणी है, यहाँ पे पामीर माउंटेन है, पामीर का पठार है, पठारी क्षेत्र है, लेकिन यहाँ पर ये पामीर नॉट वाला क्षेत्र है। इधर जो अफगानिस्तान में हिंदू कुश पर्वत श्रेणी है, अफगानिस्तान में हिंदू कुश पर्वत श्रेणी है। तो इस वाले क्षेत्र में देखिए बहुत सारी पर्वत श्रेणियाँ हैं, है ना, ये जो मैंने येलो कलर से आपको बनाई है, तो ये मध्यवर्ती रीजन जितना भी है, आप देख रहे हैं व्हाइट कलर से है पूरा का पूरा रीजन, इसमें पर्वत श्रेणियाँ बहुत सारी हैं, क्या हैं, बहुत सारी पर्वत श्रेणियाँ हैं, ये वाले रीजन पे आपकी बहुत सारी पर्वत श्रेणियाँ हैं। दूसरा क्या हो गया, दूसरा रीजन आपका मैंने क्या बांट दिया, दूसरा रीजन बांट दिया इसका मध्यवर्ती पर्वत श्रेणियाँ, मध्यवर्ती पर्वत श्रेणियाँ, पर्वत श्रेणिया, अभी नहीं डिटेल से भी देखेंगे सभी चीज़ों को। तीसरे नंबर पे है दक्षिण का पठारी क्षेत्र, अब ये वाला रीजन आप देखिए, ये दक्षिण का पठारी क्षेत्र है, जो भारत वाला क्षेत्र है ना आपका, इंडिया का क्षेत्र देखिए, यहाँ पे तिब्बत का पठार है, ठीक है, चाइना में तिब्बत का पठार है, यहाँ पे दक्कन का पठार है, अरब का पठार है, ये पूरा पठारी क्षेत्र है, समझ रहे हैं आपको, ये पूरा पठारी क्षेत्र है। तो तीसरी संरचना आपकी है दक्षिण का पठारी क्षेत्र, दक्षिण का पठारी क्षेत्र, पठारी क्षेत्र, ठीक है, तीसरा ये हो गया। अब नदी घाटियां, देखो यहाँ पे नदियां बहुत सारी पाई जाती हैं, मैं नदियां तो सारी यहाँ पे बना नहीं सकता हूँ, नदी घाटियां बहुत बड़ी बड़ी नदियां हैं, यहाँ पे एक यांगसिटी कांग नदी है, वांगो नदी है, पीली नदी है, सिंधु नदी है ना, गंगा नदी है, यहाँ पे सिंधु नदी है, यहाँ पे सांगपो है, ब्रह्मपुत्रा नदी है, वांगहो नदी है, यांगसिटी क्यांग नदी है, इधर ऊपर जो है आपकी येनसी नदी है, यहाँ पे लीना नदी है, यहाँ पे ओब नदी है, तो नदियाँ ही नदियाँ हैं, यहाँ पे नदियों की कमी नहीं है, बहुत सारी नदियाँ हैं, यहाँ पे यूराल नदी है आपकी, यहाँ पे यूराल नदी है, बोल्गा नदी है आपकी, बोल्गा नदी भी है, ठीक है, तो नदियों का पूरा ये, इधर जो है इरावदी है, मेकांग नदी है, इरावदी नदी है, ठीक है, ये म्यांमार में इरावदी है, इधर आपका मेकांग रिवर है, ठीक है, तो नदियां ही नदियां यहां पर देखने को मिलती हैं इस पूरे क्षेत्र में। तो नदियों की अपनी घाटियां हैं, यहां पे नदी घाटी क्षेत्र है। तो जो चौथे प्रकार की संरचना है ये नदी घाटी क्षेत्र है, क्या है, नदी घाटी क्षेत्र, क्या है, नदी घाटी क्षेत्र है, क्या है, नदी घाटी क्षेत्र। और पाँचवें प्रकार की संरचना जो आपकी है, पाँचवें प्रकार की संरचना, यहाँ पे देखिए बहुत सारे द्वीप हैं, फिलीपींस द्वीप समूह है, जापान द्वीप समूह है, इंडोनेशिया द्वीप समूह है ना, यहाँ पे लक्षद्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो ये पाँचवीं प्रकार की संरचना द्वीप समूह है, क्या है, द्वीप समूह एशिया में। ऐसे ही आप लोग भारत को भी पढ़ते हो ना, भारत में उत्तर का हिमालय का मैदान, मध्य में मैदानी क्षेत्र, और नीचे जो है दक्कन का पठारी क्षेत्र, शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र, है ना। और इसमें और बांटा जाए तो देखो ये वाला क्षेत्र मरुस्थली क्षेत्र भी है, यहाँ पे छठवें नंबर पे भी बांट सकते हो, यहाँ पे हमारा थार का मरुस्थल है, फिर ये पूरा का पूरा मरुस्थल है, ये मरुस्थली क्षेत्र है, हम इसको भी एक छठवीं आकृति भी इसकी बांट सकते हैं, छठवां है शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र, शुष्क मरुस्थल क्षेत्र,
एशिया में ये भी है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको प्राकृतिक तौर पे बांट के देखा जा सकता है, देखा जा सकता है, नहीं देखा जा सकता, समझ में आ रही मेरी बात, ठीक है। जैसे आप भारत को बांटते हो वैसे हम इसको बांट रहे हैं, बताओ कोई दिक्कत है किसी को, कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है सभी को, समझ में आ रही है। बहुत छोटी सी बात है, एशिया को हमने प्राकृतिक तौर पर बांट दिया। अब एक एक इसके फीचर को देखेंगे। केरल के पास करें सर नया द्वीप मिला है, हाँ केरल के पास जो मंगलोर है, मंगलोर के पास एक नया द्वीप देखने को मिला है, अभी उसमें बहुत सारी रिसर्च चल रही है ना, अभी उसको बहुत सारे अब देखते हैं, वो एक नए प्रकार का एक नया द्वीप है, लेकिन वो द्वीप पूरी तरीके से अभी जलमग्न है, मतलब ऊपर नहीं उभरा है, वो गूगल मैप में मिला है, गूगल मैप के थ्रू देखने पर वो दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो अभी उसकी वास्तविकता नहीं पता है, ये गूगल में गूगल के सैटेलाइट के थ्रू देखने को मिला है, तो अभी वहाँ पे रिसर्च के लिए कई सारे जो है प्रयास किए जा रहे हैं, ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़ते जाते हैं, धीरे धीरे मैं डिकोड करता जाऊँगा। तो अब एक एक करके देखें सभी को, सभी को एक एक करके थोड़ा सा देखें तो ज़्यादा क्लियरिटी होगी आप लोगों की, ठीक है। एक एक करके मैं देखूँ, अब रैंडम आपको कुछ ना कुछ बताता चला जाऊँगा, निश्चिंत रहिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है आप लोगों को, सारी चीज़ें आपको वैसे भी पढ़ चुके हो, मैंने काफ़ी कुछ आपको आधारभूत क्लासेस में बता दिया, अब जो है थोड़ा सा आपको चीज़ें और अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है। तो अब एक एक करके हम लोग देखेंगे, सबसे पहला ये ऊपर वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है आपका, ठीक है, यही है आपका, यहाँ पे देखिए एक झील है, ये बैकाल झील है, इसे बोलते हैं बैकाल झील, अभी बाद में बताऊंगा झील वगैरह वो सब मैं एक साथ उठाऊंगा, जब माउंटेन पढ़ाऊंगा एक साथ माउंटेन पढ़ा दूंगा, एक साथ नदियाँ पढ़ा दूंगा, वो बहुत बड़ा केस नहीं है, लेकिन मुझे पहले आपके बेसिक्स क्लियर करने हैं, फंडामेंटल क्लियर करने हैं। तो एशिया महाद्वीप का उत्तरी भाग, ये निम्न भूमि क्षेत्र, इसको बोलते हैं लो लैंड एरिया, ये पूरा लो लैंड एरिया है, क्योंकि इसके जस्ट नीचे पर्वतीय क्षेत्र है, और पर्वत क्षेत्र का ये लो लैंड एरिया है, ये पूरा स्लोप है इसका, स्लोप किधर है, आर्कटिक महासागर की तरफ स्लोप है। यहाँ पे देखिए ये नदियाँ हैं, ये उत्तर का आप साइबेरिया वाला क्षेत्र में, इसका जो पूरा स्लोप है वो किधर है, आर्कटिक महासागर में, ये नदियाँ आप देख रहे हैं ना, ये नदियाँ, ये सारा जल गिरा रही हैं, इधर नदियाँ ही नदियाँ हैं, ठीक है, बहुत सारी नदियाँ यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो ये वाला क्षेत्र जो आपका है, ठीक है, इसको बोलते हैं लो लैंड एरिया, यही है उत्तर का निम्न भूमि क्षेत्र। तो ये आपका यूराल पर्वत श्रेणी, ये पूरा हिस्सा, 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 ये पूरा का पूरा हिस्सा जो है देखने को मिलता है, ठीक, ये पूरा आपका, ठीक, लो लैंड एरिया है। अब इस लो लैंड एरिया को ये आपका कहाँ से है, इधर सीमा बनाता है, यूराल पर्वत श्रेणी आपकी है, और पूर्व में यहाँ पे लीना नदी है, पूर्व में लीना नदी है यहाँ पे, ठीक है, लीना नदी है यहाँ पे, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये आपका, ये आपका जो पूरा हिस्सा है ये कुछ इस तरीके से है, यहां से लेकर के इस वाले हिस्से तक, ये वाले हिस्से तक लो लैंड एरिया। यहाँ पे देखिए त्रिभुजाकार एक आकृति दिख रही है आपको, यहाँ पे एक ट्रायंगल नुमा आकृति दिख रही है,
ट्रायंगल नुमा आकृति दिख रही है, यहाँ पे एक त्रिभुज जैसी आकृति दिख रही है, यहाँ पे एक त्रिभुजाकार आकृति दिख रही है। तो ये पूरा लो लैंड एरिया क्या है, एक त्रिभुजाकार आकृति के तौर पे है, ठीक है। तो ये यूराल पर्वत, यहाँ पे यूराल पर्वत से लेकर के लीना नदी क्षेत्र तक है, और इस निम्न भूमि को हम बोलते हैं साइबेरिया का मैदान। इसे क्या बोलते हैं, साइबेरिया का मैदान। इस पूरे क्षेत्र को बोला जाता है साइबेरिया का मैदान, साइबेरिया का मैदान, ठीक है। और इस मैदानी क्षेत्र में बहुत सारी नदियां बहती हैं, ठीक है। तो एक ट्रायंगुलर शेप में है, और इसका पश्चिमी भाग जो है समतल है, ये वाला हिस्सा तो समतल है, बाकी जो क्षेत्र है आपका पूर्वी क्षेत्र, ये पठारी क्षेत्र है, अपर्दित पठारीय क्षेत्र है, मतलब कि पहले हाई क्षेत्र था, धीरे धीरे इसका अपर्दन होता चला गया, तो एक अपर्दित पठार के तौर पर है। और इसके उत्तर में आर्कटिक महासागर क्षेत्र है, ये है आपका आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, ठीक है। ये वाला क्षेत्र आपका है आर्कटिक महासागर का क्षेत्र, ठीक है। तो ये आपका जो है, यहाँ पे जो है कई सारा हिमानी घर्षित मैदान भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये हाई जो लैटिट्यूड है वहाँ पर है, उच्च अक्षांशीय क्षेत्र पर है, तो यहाँ पर तापमान बहुत कम रहता है, तो इस क्षेत्र पे बर्फ़ हमेशा जमी रहती है। यहाँ के बंदरगाह जितने भी हैं सारे सर्दियों के टाइम पीरियड पे, या जो सूर्य जब दक्षिणायन होता है तो उस समय पे पूरे बंद होते हैं, तो यहाँ पर हिमानियों के द्वारा भी मैदानों का निर्माण किया जाता है। और इस क्षेत्र पर तीन प्रमुख नदियाँ हैं, देखो यहाँ पर रसिया में हैं तो बहुत सारी नदियाँ, लेकिन जो इस पूरे मैदान में तीन प्रमुख नदियाँ हैं, पहली नदी आपकी है, पहली नदी है ओब रिवर, ये आपकी ओब रिवर, ये यहाँ पे जल गिराती है, सब आर्कटिक महासागर में गिराती है। दूसरा येनिसी रिवर, तीसरी आपकी है लीना रिवर, ठीक है। ये प्रमुख कुछ नदियाँ हैं जो इस क्षेत्र में बहती हैं, ठीक है। तीन प्रमुख नदियाँ हैं जो यहाँ पर बहती हैं, ओब, येनिसी, लीना। मैं चाहता हूँ कि साथ साथ आप लोग भी मानचित्र में इन नदियों को चिन्हित करते चले जाएँ। एशिया का मानचित्र खोलिए, वहाँ पर ये तीनों नदियाँ आपको मिल जाएंगी, साथ साथ तीनों नदियाँ एक बार ओपन करिए आप लोग एशिया के मानचित्र पर, एशिया के मानचित्र में तीनों नदियां आप लोगों को मिल जाएंगी। हाँ, ये देखिए ओब नदी यहाँ पर है आपके स्टडी टुडे पब्लिकेशन में का ये लेटेस्ट एटलस है, पेज नंबर 52। यहाँ पे ओब नदी है, यहीं पे येनिसी नदी है, और यहीं पे आपकी लीना नदी है, मिल गई ये तीनों नदी, तीनों बड़ी नदी हैं। और यहीं पर साइबेरिया का मैदान लिखा होगा, तो इसे भी आप देखते जाइएगा, साइबेरिया का मैदान। मैंने आपको बताया ये वाला क्षेत्र जो है मैदानी क्षेत्र है, औषधीय चट्टानों से बना है, और इधर का क्षेत्र पठारी क्षेत्र है, आप देख सकते हैं अपर्दित पठार है, यहाँ पे देखिए ना, ये अपर्दित पठार है, ये पठारी क्षेत्र है, ये पूरा का पूरा पठारी क्षेत्र है इसका। तो इसका पूरब का क्षेत्र पठार है, और पश्चिम का क्षेत्र मैदानी क्षेत्र है, नदियों द्वारा बनाया गया मैदान है, ठीक है। तो ये सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा, पश्चिमी साइबेरिया का मैदान और मध्य साइबेरिया का पठार यहाँ पे मिल जाएगा आपको पूरा का पूरा, ठीक है। यहाँ पे यूराल पर्वतमाला, इसे भी मिल जाएगा, ये सब कुछ मेंशन करते जाना है सारी चीज़ों को, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ऊपर एक प्रायद्वीप है, यहाँ पे एक प्रायद्वीप है, प्रायद्वीप मतलब तीन तरफ से जल से घिरी हुई आकृति, एक प्रायद्वीप है, इधर भी वाटर बॉडी, इधर भी वाटर बॉडी, इधर भी वाटर बॉडी, इसको बोलते हैं टेमर प्रायद्वीप। ये क्या है आपका, टेमर प्रायद्वीप, इसको बोलते हैं टेमर प्रायद्वीप, इसका नाम है टेमर प्रायद्वीप। आप अपने मानचित्र में देखेंगे ऊपर यहीं पर दिखेगा टेमर प्रायद्वीप, मिल गया सभी को टेमर प्रायद्वीप, ठीक है। तो यहाँ पर कई सारी नदियाँ बहती हैं, तीनों नदियाँ मैंने आपको बता दी कि कौन कौन सी नदी बहती हैं। तो ये आपका क्या है, ये आपका उत्तर का ये मैदानी क्षेत्र है पूरा का पूरा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, मध्यवर्ती पर्वत श्रेणियाँ, मध्यवर्ती पर्वत श्रेणियाँ, मध्यवर्ती पर्वत श्रेणियों का निर्माण कब हुआ था, जब प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत के अनुसार जब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट का आपस में मिलन हुआ था, तो उसके मिलन के परिणाम स्वरूप इसका जन्म हुआ है, उसके मिलन के परिणाम स्वरूप। यहाँ पर ये देखिए, ये आपका ये यहाँ पे पर्वत श्रेणियाँ हैं बहुत सारी, इस वाले क्षेत्र में बलित पर्वत श्रेणियाँ हैं, यहाँ पर बहुत सारी बलित पर्वत श्रेणियाँ हैं, क्या हैं, बलित पर्वत श्रेणियाँ हैं, माउंटेन रेंज है यहाँ पर, ये सारी माउंटेन रेंज आप देख रहे हैं। तो उत्तर के निम्न भूमि के दक्षिण वाले क्षेत्र पर, उत्तर निम्न भूमि के दक्षिण वाले क्षेत्र पर बहुत सारे फोल्डेड माउंटेन हैं, बलित पर्वत क्षेत्र हैं और पठार हैं, यहाँ पे बहुत सारे बलित पर्वत क्षेत्र हैं और पठार हैं, इनका जाल है, ठीक है, बलित पर्वत क्षेत्रों का और पठारों का जाल है इस पूरे क्षेत्र पे। तो एक आपकी माउंटेन रेंज ये है, एक माउंटेन रेंज ये है, इसको बोलते हैं तियान सान, एक है सुलेमान पर्वत श्रेणी,
ये है किरथर रेंज, ये पाकिस्तान की है, सुलेमान और किरथर पाकिस्तान की है। यहाँ पे पामीर माउंटेन है, यहाँ पे आपका हिमालय माउंटेन है, पूरा का पूरा ये हिमालय माउंटेन क्षेत्र है। तो एक बार जो है सभी लोग थोड़ा सा ये माउंटेन रेंज को भी देखते जाएं। तो उत्तर का जो निम्न भूमि क्षेत्र है उसके दक्षिण में बहुत सारे फोल्डेड माउंटेन हैं, बलित पर्वत श्रेणी हैं, और इन बलित पर्वत और पठारों का पूरा जाल है यहाँ पे, जो एशिया के 20% भूभाग पर विस्तृत हैं। 20% भूभाग पर विस्तृत हैं, 20% भूभाग पर विस्तृत हैं, विस्तृत हैं, क्या हैं, 20% भूभाग पर विस्तृत है। टोटल एशिया के 20% एरिया पर मध्यवर्ती पर्वत श्रेणियां हैं। क्या हैं, इसको बोलते हैं मध्यवर्ती पर्वत श्रेणियां, मध्यवर्ती पर्वत श्रेणियां, मध्यवर्ती पर्वत श्रेणियां, ठीक है। तो इस पर्वत क्षेत्र में क्या है, बहुत सारे पर्वत हैं, बहुत सारे पठार हैं, बीच बीच में पठार हैं। जैसे कि देखो ये पूरा पठारी क्षेत्र है, ये पूरा तिब्बत का पठारी क्षेत्र है आपका, ठीक है, ये तिब्बत का पठारी क्षेत्र है। यहाँ पे पामीर का पठार है, ये वाले क्षेत्र में जहाँ पर है ये पामीर का, वैसे विश्व की छत कहा जाता है पामीर माउंटेन के, यहाँ पे पामीर माउंटेन है। यहाँ पे अरब का प्रायद्वीप है, अरब का प्रायद्वीप, इसको अरब प्रायद्वीप, अरब प्रायद्वीप, ये आप देख रहे हैं ना, अरब का प्रायद्वीप है, ये है अरब का प्रायद्वीप, इसे बोलते हैं अरब का प्रायद्वीप, ये वाला क्षेत्र जो आपका है, जिसमें आपका सऊदी अरेबिया, यमन, ओमान जितना भी है। यहाँ पे देखिए ये वाला पूरा का पूरा दक्कन का पठारी क्षेत्र है, दक्कन का पठार है। तो ये पूरा क्षेत्र जो है यहाँ पर बहुत सारे पर्वत और पठार देखने को मिलते हैं, मध्यवर्ती वाले क्षेत्र में स्थित है। तो जैसे आपका यहाँ पे ये जो पमीर नॉट है, पमीर नॉट को एक बार थोड़ा सा क्लियर करता हूँ मैं आपको, ये पमीर नॉट है, जो पमीर की ग्रंथि है, ये आपका हिमालय के जस्ट ऊपर ही है, तजाकिस्तान वाले एरिया में, देखिए तजाकिस्तान वाले एरिया में है पमीर नॉट, ठीक है, ये वाला एरिया पूरा पर्वत श्रेणियां ही है यहाँ पे, और यहाँ पे सभी पर्वतों का मिलन बिंदु है एक तरीके से, ये मान के चलिए ये सभी पर्वत श्रेणियों का एक मिलन बिंदु की तरह है, ठीक है। यहाँ से कई सारी पर्वत श्रेणियां आपकी निकली हुई हैं इस क्षेत्र से, हिमालय पर्वत श्रेणी भी इससे ही जुड़ाव रखती है यहाँ से, ठीक है। एक पर्वत श्रेणी ये है, एक पर्वत श्रेणी आपकी यहाँ जाती है पाकिस्तान, सुलेम अफगानिस्तान में हिंदू कुश जाती है, यहाँ पे सुलेमान जाती है, ये हिमालय पर्वत श्रेणी निकल जाती है आपकी पूरी की पूरी। तो एक ही क्षेत्र पर ये है पमीर नॉट, इसे पमीर ग्रंथि कहते हैं, यहाँ पर कई सारी पर्वत श्रेणियों का मिलन बिंदु है, ठीक है। एक पर्वत श्रेणी आपकी ये निकल जाती है, ठीक है, कुलनुंगसान, तियानसान, एक से एक पर्वत श्रेणी ये निकल जाती है। तो ये आपकी कुलनुंगसान है, कुलनुंगसान सान, ये तियानसान, तियानसान, ये आपकी हिमालय पर्वत श्रेणी, हिमालय पर्वत श्रेणी, ठीक है। ये आपकी है सुलेमान, सुलेमान, इधर है आपकी हिंदू कुश, हिंदू कुश, और ये आपकी है पामीर नाट, पामीर नाट, पामीर ग्रंथि, ठीक है। तो ग्रंथि का मतलब है यहाँ पे कई सारी पर्वत श्रेणियों का मिलन बिंदु है, जंक्शन पॉइंट है ना, इसलिए इसको पमीर ग्रंथि कहते हैं। जितनी भी पर्वत श्रेणियाँ हैं सभी इसी जगह पे आके मिलती हैं, इसी जगह पर आकर के मिलती हैं। तो पमीर के इसको एक तरीके से पठारी क्षेत्र है, यहाँ पर ऊपर से समतल है, ये पमीर का पठार भी बोला जाता है इसको, पमीर का पठार, पमीर का पठार, इसे विश्व की छत कहा जाता है, क्या बोला जाता है, विश्व की छत, विश्व की छत, सबसे ऊँचा है, विश्व की छत भी कहा जाता है इसको, ठीक है। तो विश्व की छत क्या है, पामीर का पठार, ठीक है, इसको बोलते हैं रूफ ऑफ द वर्ल्ड, विश्व की छत, विश्व का, क्योंकि सबसे ऊंचा पठार क्या है, पामीर का पठार है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार क्या है, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। और भी है यहाँ पे पर्वत श्रेणियां, यहाँ पे काराकोरम भी है, हिमालय यहीं से काराकोरम निकलती है, जो ट्रांस हिमालय की पर्वत श्रेणी है, काराकोरम है ना, हिमालय पर्वत श्रृंखला है, यहाँ पे कई सारी पर्वत श्रेणी, सुलेमान, किरथर, जागरोस, ये सारी पर्वत श्रेणी यहाँ से निकलती है, क्लियर है ना सभी को, ठीक है। और आपको पता है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो है आपकी हिमालय पर्वत श्रेणी पर है, यहाँ पर माउंट एवरेस्ट 8850 मीटर हो गई है, अभी 8850 मीटर, 2 मीटर और बढ़ गई है, पहले 8848 थी, अब 8850 मीटर हो गई है, ठीक है। तो ये हो गया आपका मध्यवर्ती, क्या है ये, मध्यवर्ती पर्वतीय क्षेत्र,
मध्यवर्ती पर्वतीय क्षेत्र। क्लियर है सभी को? स्पष्ट होता जा रहा है आप लोगों को सभी को? ठीक है, क्लियर है मध्यवर्ती। अब यहाँ पे बाद में इनको भी और देखेंगे, अभी टेंशन मत लो। मैं पहले आप लोग का जिस तरीके से आपको देश की राज्य और राजधानियाँ मैंने क्लियर कराई हैं, वैसे अब क्लियर करा रहा हूँ आप लोगों का ये मैटर। अब चलते हैं और दक्षिण में, और नीचे चलते हैं और दक्षिण में। चलिए एशिया के और दक्षिण में चलिए आप लोग, ये वाले हिस्से पे आ गए अब हम। ठीक है, इसको बोलते हैं दक्षिण का पठारी क्षेत्र। यहाँ पे पठार बहुत सारे हैं। मध्यवर्ती क्षेत्र में क्या है, बहुत सारी पर्वत श्रेणियाँ हैं और यहाँ पे बहुत सारे पठार हैं। तो अरब वाले क्षेत्र में, ये भी आपका मैदानी और पठारी क्षेत्र है पूरा, अरब का पठार। यहाँ पे कई सारे पठार हैं। ये प्रायद्वीप है आपका, अरब का प्रायद्वीप है, अरेबियन प्रायद्वीप सबसे बड़ा प्रायद्वीप है ये, और दूसरा अरब का पठार। ठीक है, यहाँ पे आपको ये देखने को मिलता है। ठीक है, अरब वाले क्षेत्र में। दूसरा भारत में ये वाला हिस्सा पूरा का पूरा, इसको बोलते हैं दक्कन का पठार। ठीक है, यहाँ पे दक्कन का पठार है। हिंद चीन का पठार, इंडो चीन का पठार, इसे बोलते हैं तिब्बत का पठार। ये वाला हिस्सा आपका पूरा का पूरा, ये आपका तिब्बत का पठार है। तिब्बत का पठार सबसे बड़ा पठार ये है, सबसे ऊंचा पमीर का है और तिब्बत का पठार सबसे ऊंचा पठार है। ठीक है, तिब्बत का पठार सबसे ऊंचा पठार है। क्लियर है? तो एशिया का ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो आपका है, ये पठारी क्षेत्र है। अब एक चीज़ और आप देखिएगा, जो ये दक्षिण पश्चिम एशिया भाग है, ये वाला हिस्सा दक्षिण पश्चिम का जो एशिया वाला भाग है, ये एक शुष्क क्षेत्र है। ठीक है, अरब प्रायद्वीपीय पठार जो आपका, ये अरब का प्रायद्वीपीय पठार है, ये क्या है आपका, शुष्क क्षेत्र है। यहाँ पर मरुस्थलीय क्षेत्र है पूरा का पूरा, मरुस्थलीय क्षेत्र है। क्या है ये? एक मरुस्थलीय क्षेत्र है, शुष्क क्षेत्र है, एक रेतीला मरुस्थल है यहाँ पर, जो प्राचीन कठोर शैलों से निर्मित है। ठीक है, ये जो है पठार आपका गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, गोंडवाना भूमि का हिस्सा है ये हिस्सा। ठीक है, इसके अलावा जो दक्कन का पठार है, ये वाला पठारी क्षेत्र कैसा है, शुष्क पठार है। दक्कन का पठारी क्षेत्र भारतीय प्रायद्वीपीय पठार है, ये भी गोंडवाना लैंड का ही हिस्सा है, और ये आग्नेय और रूपांतरित शैलों से निर्मित है। आपको पता है कि जो आपका इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, तो भारत जब उत्तर की ओर, जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत कहता है कि भारत जब उत्तर की ओर से आ रहा था, तब रीयूनियन द्वीप जो फ्रांस के अंतर्गत है, मैंने आपको बताया था रीयूनियन द्वीप कहाँ पे है, याद करिए अब सारी चीज़। रीयूनियन द्वीप आपके अरब सागर वाले क्षेत्र में है, फ्रांस के कब्जे में है, वहाँ पर ज्वालामुखी हॉट स्पॉट था। तो जब भारत भूमि उसके ऊपर से गुजरी, तो उस हॉट स्पॉट के कारण से ज्वालामुखी का दरारी उद्भेदन हुआ, और उसके परिणामस्वरूप दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ, और उसके परिणामस्वरूप ही आग्नेय शैलों से दक्कन के पठार का निर्माण हुआ। आग्नेय शैलों का जो अवसादी जमाव है, लगातार इस पूरे क्षेत्र में दक्कन के पठार का जन्म हुआ। तो दक्कन का पठार जो है आग्नेय शैलें और रूपांतरित शैलों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, आपको पता है इसके पश्चिम वाले क्षेत्र में पश्चिमी घाट है, इस वाले क्षेत्र को हम पश्चिमी घाट कहते हैं। ठीक है, भारत के अंतर्गत आप सब जानते हैं, ये वाला क्षेत्र आपका पश्चिमी घाट है और ये वाला क्षेत्र आपका पूर्वी घाट है। ठीक है, तो दक्कन के पठार के पश्चिम में पश्चिम घाट है और पूरब में पूर्वी घाट है, ये आप सब जानते हो। ठीक है, अगला है आपका ये इंडो चीन का पठार, यहाँ पे ये आपका वियतनाम वाला क्षेत्र है ना, ये वाला, यहाँ पे भी है हिंद चीन का पठार, ये वाला क्षेत्र, लाओस कंबोडिया थाईलैंड और वियतनाम इस वाले क्षेत्र में भी पठारी क्षेत्र है। इसको बोलते हैं इंडो चीन का पठार, हिंद चीन का पठार। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारी नदियाँ हैं। ठीक है, मेकांग नदी यहाँ की बड़ी प्रमुख नदी है, इस क्षेत्र में मेकांग नदी है। तो इस मेकांग नदी और यहाँ पे कई सारे पठार हैं, शान का पठार है, क्विचाऊ का पठार है, यूनान का पठार है, यहाँ पे तीन चार पठार हैं। इन तीन चारों पठारों के सम्मिलित रूप से मिलके बनता है हिंद चीन का पठार। ठीक है, तो ये पूरा क्षेत्र आप देखिए, दक्षिण वाले क्षेत्र में पठारी संरचनाएँ पाई जाती हैं। इधर अरब का पठार है, यहाँ पर दक्कन का पठार है, ऊपर तिब्बत का पठार है, यहाँ पर आपका हिंद चीन का पठार है। तो ये क्या है, दक्षिण का पठारी क्षेत्र। क्या है ये? दक्षिण का पठारी क्षेत्र, दक्षिण में पठारों की संख्या ज़्यादा है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, नदी घाटियों के बारे में चर्चा करते हैं कि जो नदी घाटियों वाला क्षेत्र है, नदी घाटियाँ
माफ कीजिएगा। ठीक है, कई बार क्या होता है कि इसको बोलते हैं छींक आना, और जब आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा, आपका दिमाग जो है काम करते 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 हीट हो जाता है तो पूरी गर्मी निकाल देता है। जब छींक आती है लगभग कितना, 160-170 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आती है, इसलिए इसको रोकना नहीं चाहिए। इसको निकालने के बाद आपका दिमाग पूरा शांत हो जाता है, आपको बिल्कुल आनंद आ जाता है। लेकिन कोरोना काल पे आप किसी के आगे छींक दीजिए तो ऐसा लगता है कि आपने कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया, IPC की कितनी धाराएं आपके ऊपर लग जाए, है ना, लोग भागते हैं। तो आजकल थोड़ा सा बचना चाहिए। बाकी ये एक आकस्मिक घटना बोलते हैं इसको, ये आकस्मिक घटना है, इसको आप रोक नहीं सकते, आपका कोई नियंत्रण नहीं होता है इसमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला है नदी घाटियों वाला क्षेत्र। ठीक है, अब नदी घाटियों वाला क्षेत्र आपको पता है, इस वाले क्षेत्र में नदियां ही नदियां बहती हैं। ये पूरा जो आपका है एशिया में नदियों का पालना, नदियां ही सभ्यताओं का पालना है, तो नदियों की कमी होगी नहीं इस पूरे क्षेत्र में। मैं आपको कुछ प्रमुख नदियां यहां पे बनाता हूं, नदी घाटी क्षेत्र। ठीक है, यहां से ये वाले क्षेत्र में हमारी सबसे बड़ी प्रमुख नदी क्षेत्र है ये पूरा। आप देखिए यहां पे ये सांगपो है, सांगपो है, ये गंगा नदी, गंगा यमुना है, गंगा यमुना इधर से, यहीं से निकलती है आपकी सिंधु नदी और उसकी बहुत सारी सहायक नदियां हैं, है ना, यहां से भी कुछ नदियां हैं। तो ये सिंधु नदी है आपका, सिंधु नदी क्षेत्र। यहां पे इराक वाले क्षेत्र में है दजला फरात नदियां, यहां पे कुछ प्रमुख नदियां हैं, दजला फरात नदियां। ठीक है, यहाँ पे म्यांमार में इरावदी नदी है, इधर मेकांग रिवर है आपकी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे यांग सिटी कांग है, यहाँ पे हुआंगहो नदी है। ठीक है, और नदियाँ ही नदियाँ हैं पूरे इसमें, नदियाँ बिछाई हुई हैं पूरे में। तो एशिया महाद्वीप में पर्वत पठारों के मध्य विश्व की सबसे अधिक उपजाऊ नदी घाटियाँ पाई जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर इन सभी पर्वतों से निकलने वाली सदा नीरा नदियाँ बहती हैं, यहाँ पे सदा नीरा नदियाँ हैं। ठीक है, तो दजला फरात नदी, यहाँ पे भी मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ, इरावदी नदी, मेकांग नदी, है ना, वांगहो नदी, यांगसी नदी, सियांग नदी, ऐसी बहुत सारी नदियाँ हैं। मैं सारी नदियाँ आगे जब नदियों वाला चैप्टर आएगा तो मैं फिर एशिया की पूरी नदियाँ एक साथ पढ़ाऊँगा। तो ये सभी नदी घाटियाँ विश्व की सर्वाधिक सबसे सघन क्षेत्रों में बसी हुई हैं। ठीक है, सबसे इंटेंसिव इन हैबिटेट के तौर पे हैं, यानी कि इन क्षेत्र में सबसे सघन आबादी रहती है। ठीक है, सबसे सघन आबादी रहती है इस पूरे क्षेत्र में। ठीक है, जहाँ पे आप देखिए गंगा नदी के किनारे सब बड़े बड़े महानगर आपको दिखेंगे, चाहे आप कानपुर को देख लीजिए, चाहे प्रयागराज को देख लीजिए, चाहे बनारस को देख लीजिए, है ना, सघन, आपको हरिद्वार को देख लीजिए, सारे सघन बसे हुए हैं जितने भी हैं। यमुना के किनारे भी देख देंगे सब आपको, दिल्ली यमुना के किनारे, मथुरा है, आगरा है, ये सब क्या है, बहुत सघन बसे हुए हैं, प्रयागराज भी है आपका। ठीक है, तो ये सब क्या है, सबसे सघन बसे क्षेत्रों में से एक है ये पूरा क्षेत्र। दजला फरात का मैदान इराक में दजला और फरात नदियों के दोआब पर विस्तृत है। दजला फरात का मैदान ये इराक वाला क्षेत्र है यहाँ पर, ये पूरा। ठीक है, अब इराक में तो कहानी बहुत ख़राब है, जब से जो है आपका ये ISIS का जो चल रहा है आतंकवादी मामला। तो दजला फरात नदियों के दोआब पर विस्तृत ये पूरा का मैदान है, और यहाँ पे जो है टारस पर्वत से निकलती हैं दोनों नदियाँ। उत्तर में ये दोनों नदियाँ टारस पर्वत श्रेणी पड़ती है, टारस पर्वत श्रेणी से निकल करके दक्षिण की ओर बहती हैं, और फारस की खाड़ी में, पर्शियन गल्फ में, ये है आपकी फारस की खाड़ी, ये है ना फारस की खाड़ी, यहाँ पर जल गिराती हैं ये। ठीक है, फारस की खाड़ी में जल गिराती हैं दजला फरात नदियाँ। तो अभी आगे मैं इनको सब फिर आपको बताऊँगा। ठीक है, और बाद में ये दोनों नदियाँ आपस में मिल जाती हैं, संयुक्त तौर पर मिलने के बाद इन नदियों को बोलते हैं सल्त अर अरब। ठीक है, जब दोनों नदियाँ आपस में मिल जाती हैं पूरब में, तो मिलने के बाद इनको संयुक्त रूप से बोलते हैं सल्त अर अल अरब, सल्त अल अरब भी कहा जाता है इन नदियों को। ठीक है, प्राचीन काल में दजला फरात नदियों घाटियों में बेबीलोन, आसीरियन, सुमेरियन आदि सभ्यताओं का भी विकास हुआ है। ठीक है, और दक्षिण पश्चिम एशिया के शुष्क मरुस्थल क्षेत्र का ये भाग है। क्लियर है, तो ये जो है आपका एक, ठीक है, इसके बाद जो है आपको पता है गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान जो हमारा है, यहाँ पे हिमालय पर्वत श्रेणी से निकली हुई ये सारी नदियाँ हैं, विस्तृत जड़ोल जलोढ़ मैदान के तौर पे पूरा का पूरा मैदान है, बहुत उपजाऊ है, यहाँ पे भी बहुत सारी, है ना, सभ्यताएँ रहती हैं। ठीक है, तो बहुत सारे मैदान हैं,
ठीक है, आपका सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान है, भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश वाले क्षेत्र में विकसित है। दजला फरात का मैदान इराक वाले क्षेत्र में विकसित है। इरावदी का मैदान आपका म्यांमार, जो आपका बर्मा कहलाता था पहले, तो उस वाले क्षेत्र में इरावदी नदी यहाँ पर बहती है, तो इरावदी नदी में बर्मा बर्मा या म्यांमार का है। मी एक नदी बहती है आपकी जिसको बोलते हैं मीनाम नदी, मीनाम नदी थाईलैंड वाले क्षेत्र में है। मिकांग नदी आपको इंडो चीन वाले क्षेत्र में यानी वियतनाम वाले क्षेत्र में। जब मैं आपको मैं इंडो चीन बोलूँ तो इंडो चीन का मतलब है वियतनाम, वियतनाम लाओस कंबोडिया ये इंडो चीन वाला क्षेत्र है, तो इंडो चाइना बोलते हैं वियतनाम को। तो मेकांग नदी का मैदान आपका इंडो चाइना में पड़ता है, चीन में पड़ता है यांगसी का मैदान, हुआंगहो का मैदान, सीक्यांग का मैदान, कई सारी नदियाँ चाइना में हैं जो बड़ी बड़ी नदियाँ विस्तृत नदियाँ हैं। और यहाँ तक कि जो सांगपो आती है, ब्रह्मपुत्र भी आती है, वो भी चाइनों से ही होके आती है, तिब्बत वाले क्षेत्र से। ठीक है, तो एशिया का ये नदी घाटी वाला क्षेत्र है पूरा का पूरा आपका। इस तरीके से एशिया में बहुत सारी नदी घाटियाँ पाई जाती हैं क्रम से। ठीक है, अब एशिया तीन ओर से एक बार थोड़ा सा एशिया मुख्य भूमि का कुछ और बेसिक चीज़ें आपको जो मैं बता देता हूँ। ठीक है, एशिया महाद्वीप का कुछ और बेसिक चीज आपको बता देता हूं। सबसे पहली चीज ये है कि एशिया का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है। कभी ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं और आपको जानकारी होनी चाहिए। मैं आपको गूगल अर्थ में सर्च करके दिखाऊंगा। ठीक है, एक जगह है चिल्लू स्किन, देखते हैं यदि गूगल अर्थ में मिल जाता है तो ठीक है, और नहीं होगा तो कोई बात नहीं है। ये रसिया में पड़ता है आपका चिल्लू स्किन अंतरीप। इसमें नहीं दिख रहा, ठीक है, चलिए मैं ऐसे दिखा देता हूँ आप लोगों को। एशिया का सबसे उत्तरी बिंदु, एशिया का सबसे उत्तरी बिंदु आपका ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, एशिया का सबसे उत्तरी बिंदु आपका, एशिया का सबसे उत्तरी बिंदु, ठीक है, एशिया का सबसे उत्तरी बिंदु इसको बोलते हैं, लिख लीजिए, एशिया का सबसे उत्तरी बिंदु आपका चिल्लू स्किन अंतरीप है जो कि रूस में है। चिल्लू स्किन अंतरीप, चिल्लू स्किन इसको लिखेंगे कैसे बता रहा हूं मैं, रूस में है सबसे उत्तर में, चिल्लू स्किन, चिल्लू स्किन, स्किन अंतरीप। ठीक है, ये एशिया का सबसे उत्तरी बिंदु है, 77 डिग्री 43 मिनट नॉर्थ अक्षांश में अवस्थित है। कितने में? 77 डिग्री 43 मिनट नॉर्थ अक्षांश इस पे अवस्थित है। ये एशिया का सबसे उत्तरी बिंदु है, ये आपका एशिया का सबसे उत्तरी बिंदु के तौर पे जाना जाता है चिल्लू स्किन को। सबसे दक्षिणतम बिंदु मलेशिया में पड़ता है आपका, सबसे दक्षिणतम बिंदु मलेशिया में पड़ता है, इसको बोलते हैं तानजुंग पीआई, तानजुंग पीआई, सबसे दक्षिणतम बिंदु मलेशिया का है तानजुंग पीआई, तानजुंग पीआई, तानजुंग पीआई, तानजुंग पीआई, तानजुंग पीआई, एक बार देख लेते हैं शायद ये मिल जाए। तानजुंग पीआई शायद ये है आपका, ये तानजुंग पीआई, ये मुख्य भूमि का है आपका। बाकी तो द्वीप बहुत सारे हैं, देखो मुख्य भूमि का, जैसे आप देखते हैं ना कन्याकुमारी होता है वैसे ये आपका मलेशिया है। एक मिनट एक मिनट, बड़ा खूबसूरत शहर है, लोग घूमने जाते हैं, आप लोग भी जाइएगा। ये तानजुंग पीआई, आप लोग मलेशिया के सबसे लास्ट में आइए, मलाया द्वीप है। बाकी देखो द्वीप हैं, द्वीप अलग हैं,
द्वीप अलग है, मेन लैंड की बात हो रही है। जैसे भारत का भी दो देखते हो ना, एक तो आपका इंदिरा पॉइंट होता है, इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पड़ता है, और एक आपका जो है वो कन्याकुमारी है, केप के मोरिन है ना। ये आपका तांजुंग पियाई, सबसे दक्षिणतम बिंदु, ये आप देख रहे हैं एक प्रायद्वीप है, ये है तांजुंग पियाई मलेशिया, ये है आपकी। तो ये क्या है, तांजुंग पियाई मलेशिया का 1 डिग्री 14 मिनट नॉर्थ पे पड़ता है ये, मुख्य भूमि का, एशिया की मुख्य भूमि का। बाकी द्वीपों में फिर इंडोनेशिया है आपका, द्वीपों में इंडोनेशिया है, ये 1 डिग्री 14 मिनट नॉर्थ में पड़ता है आपका। ठीक है, लिख लिया सभी ने, सबसे दक्षिणतम बिंदु मुख्य भूमि जरूर लिख लीजिएगा, मुख्य भूमि में सबसे दक्षिणतम बिंदु। इसके बाद सबसे पूर्वी बिंदु, सबसे पूर्वी बिंदु आपका पड़ता है साइबेरिया में, रूस में, इसको बोलते हैं देजनोवा अंतरीप। मैं दिखाता हूँ आपको देजनोवा अंतरीप, सबसे पूर्वी बिंदु है आपका देजनोवा अंतरीप, देजनोवा अंतरीप। देजनोवा अंतरीप, ये आपका देजनोवा अंतरीप सबसे पूर्वी बिंदु। यहाँ बेरिंग जल संधि है ना जहाँ पे, ये है आपका देजनोवा अंतरीप, ये वाला हिस्सा। ठीक है, सभी लोग रशिया में पहुँचिए, ये वाला हिस्सा जो आपका है देजनोवा अंतरीप, सबसे पूर्वी बिंदु क्या है, देजनोवा अंतरीप। मिल गया सभी को, सबसे पूर्वी बिंदु है देजनोवा अंतरीप। सबसे पश्चिमी बिंदु है वास्पोरस अंतरीप, तुर्की में पड़ता है वास्पोरस, तुर्की में वास्पोरस जल संधि भी है आपकी वहीं पर, वास्पोरस अंतरीप। टर्की आप लोगों को मैंने बताया था ना कहाँ पे, ये आपका है टर्की, यहाँ पे वास्पोरस जल संधि ब्लैक सी और भूमध्य सागर के बीच में, ये है आपका, यहाँ पे वास्पोरस, वास्पोरस अंतरीप तुर्की में है, 26 डिग्री 4 मिनट पूर्वी देशांतर, 26 डिग्री 4 मिनट पूर्वी देशांतर। तो एशिया की जो मुख्य भूमि है, मेन लैंड है, उसका सबसे उत्तरतम बिंदु क्या है, चिल्यूस्किन, चिल्यूस्किन अंतरीप, कहाँ पड़ता है, रसिया में। सबसे उत्तरी क्या है, चिल्यूस्किन, सबसे उत्तरी क्या है, चिल्यूस्किन। ठीक है, मैं आपको याद करा देता हूँ, सबसे उत्तरी चिल्यूस्किन, चिल्यूस्किन अंतरीप। ठीक है, सबसे उत्तर में है चिल्यूस्किन अंतरीप, कितना है, 77 डिग्री 43 मिनट नॉर्थ, 77 डिग्री 43 मिनट नॉर्थ, चिल्यूस्किन अंतरीप। सबसे दक्षिणतम क्या है, तांजुंग पियाई, तांजुंग पियाई, तांजुंग पियाई मलेशिया में पड़ता है, कितना है, 1 डिग्री 14 मिनट नॉर्थ, ये भी नॉर्थ है, ये भी नॉर्थ है। मुख्य भूमि की बात कर रहा हूँ, मेन लैंड की बात कर रहा हूँ एशिया के, सबसे पूर्वी पूरी है देजनोवा अंतरीप साइबेरिया में, देजनोवा अंतरीप, अंतरीप। ठीक है, देजनोवा अंतरीप। और सबसे पश्चिम में, ये वाले हिस्से में सबसे पश्चिमी बिंदु है वास्पोरस अंतरीप, वास्पोरस अंतरीप, अंतरीप। ठीक है, तो चिल्लू स्किन से लेकर तांजुंग पियाई, देजनोवा अंतरीप से लेकर वास्पोरस अंतरीप। ठीक है, ये टोटल आपका क्या है, एशिया महाद्वीप की मुख्य भूमि, मुख्य भूमि, मुख्य भूमि। ठीक है, मुख्य भूमि क्लियर है, स्पष्ट है, ठीक, क्लियर है। एशिया महाद्वीप के पूरब में, एशिया महाद्वीप के पूरब में प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर है। एशिया महाद्वीप के दक्षिण में हिंद महासागर है, हिंद महासागर है। एशिया महाद्वीप के उत्तर में आर्कटिक महासागर है, आर्कटिक महासागर है। और एशिया महाद्वीप के पश्चिम में कृत्रिम बॉर्डर है, कृत्रिम सीमाएं हैं, क्या हैं, कृत्रिम सीमाएं। और भूमध्य महासागर है, भूमध्य सागर, भूमध्य सागर, भूमध्य सागर और कृत्रिम सीमाएं हैं। ठीक है, तो एशिया जो है 3 तरफ से महासागरों से घिरा हुआ है, एक तरफ से कृत्रिम और आर्टिफिशियल लैंड है।
है ना, एक तरफ से कृत्रिम और आर्टिफिशियल विभाजन है, भौतिक विभाजन है इसका। क्लियर है सभी को? ठीक है, चलिए, स्पष्ट है? तो इसको सभ्यता का पालना कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी सभ्यताएं, यहाँ पर मेसोपोटामिया, मिस्र की सभ्यता, हुआंगहो नदी की सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, इन सभी सभ्यताओं का विकास हुआ यहाँ पे। मुख्य तौर पे यदि पूरे आप एशिया महाद्वीप को देखेंगे तो मुख्य तौर के पे इस क्षेत्र में तीन बड़े महाद्वीप पाए जाते हैं। ठीक है, तीन बड़े महाद्वीप पाए जाते हैं। कौन कौन से महाद्वीप हैं मैं आपको दिखाता हूँ, वो माफ करेगा, तीन प्रायद्वीप पाए जाते हैं। प्रायद्वीप मतलब तीन तरफ से जो जल से घिरे हुए हों। एशिया महाद्वीप में तीन प्रायद्वीप पाए जाते हैं। प्रायद्वीप मतलब तीन तरफ से जल से घिरी हुई आकृति को प्रायद्वीप कहा जाता है। तीन यहां पर तीन प्रायद्वीप हैं। पहला है अरब का प्रायद्वीप, ये अरेबियन प्रायद्वीप है आपका, लाल सागर इधर, अरब सागर, लाल सागर, हिंद महासागर, ये वाला हिस्सा, ये बास्पोरस की खाड़ी, वो फारस की खाड़ी है, ये फारस की खाड़ी है, ये आपका अरब सागर, अरब सागर, फारस की खाड़ी, ठीक है, और इधर है लाल सागर, लाल सागर, ठीक है, अरब सागर, फारस की खाड़ी, ये आपका क्या है, तीन तरफ से प्रायद्वीप हो गया। ठीक है, अरब, ठीक। दूसरा है आपका दक्कन, दूसरा है आपका दक्कन, दूसरा है आपका दक्कन, ठीक है, दूसरा है आपका दक्कन, तीसरा आपका इंडो चीन, ये वाला हिस्सा पूरा, इसको बोलते हैं इंडो चीन प्रायद्वीप, ये वाला प्रायद्वीप, इसको बोलते हैं इंडो चीन, इंडो चीन। तो ये तीन बड़े प्रायद्वीप हैं, तीन बड़े प्रायद्वीप हैं, जिसमें सबसे बड़ा आपका अरब का प्रायद्वीप सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। ठीक है, यहाँ पर स्थल रुद्ध देश बहुत सारे हैं, स्थल रुद्ध देश हैं आपका कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, मंगोलिया, भूटान, नेपाल, लाओस। एक बार लिख लीजिए, प्रमुख स्थल रुद्ध देश, प्रमुख स्थल रुद्ध देश, ऐसे देश जिनमें समुद्र नहीं है, प्रमुख स्थल रुद्ध देश, प्रमुख स्थल रुद्ध देश कौन कौन से हैं, कजाकिस्तान। अब देखो मैं ये नहीं दिखाऊंगा कजाकिस्तान कहाँ है, ये काम मैं पहले कर चुका हूँ, अब मैं कोई भी देश नहीं दिखाऊंगा, अब आपके दिमाग में आना चाहिए, अपना मानचित्र में ढूंढ लो, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, पारो, मध्य एशिया के पांचों देश, मध्य एशिया के पांचों देश, K2T2U, ये स्थल रुद्ध देश हैं, K2T2U उच्च स्थल रुद्ध देश हैं, यहाँ पे समुद्र नहीं है इनके पास, समुद्र नहीं है, कैस्पियन सागर से सीमा साझा करते हैं, कैस्पियन सागर स्थल रुद्ध, कैस्पियन सागर एक झील है, कैस्पियन सागर एक झील है, कोई महासागर और वो नहीं है, कैस्पियन सागर एक झील है ना, एक खारी झील है ये। ठीक है, तो कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, ये आपके हो गए पाँचों। फिर अफगानिस्तान, अफगानिस्तान यहाँ पे देखिए, अफगानिस्तान है यहाँ पे, मंगोलिया है, मंगोलिया भी स्थल रुद्ध है आपका। फिर यहाँ पे नेपाल है, भूटान है, और यहाँ पे एक कंट्री है लाओस, यहाँ पे देखेंगे लाओस, ये भी स्थल रुद्ध है आपका, यहाँ पे लाओस आप देखिए, ये भी स्थल रुद्ध देश है। ठीक है, तो प्रमुख स्थल रुद्ध के अंतर्गत ये सब आते हैं आपके, प्रमुख स्थल रुद्ध ये आते हैं। अब जो नेक्स्ट क्लास हम करेंगे, नेक्स्ट क्लास में मैं आप सभी को एशिया महाद्वीप की जलवायु के बारे में बताऊंगा कि यहाँ की जलवायु कैसी है, उच्चावच कैसा है, यहाँ पर किस तरीके से तापमान का जो है वेरिएशन है, सबसे ठंडा प्रदेश पड़ता है यहीं पर उत्तरी गोलार्ध में, सबसे ठंडा प्रदेश है वर्खोयांस, वर्खोयांस साइबेरिया में पड़ता है, और सबसे ज़्यादा वर्षा वाला क्षेत्र भारत में पड़ता है मासिनराम, 12 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा पड़ती है मासिनराम पे, कितनी पड़ती है, ठीक है, तो ये हम लोग एक बार देखेंगे। और सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र भी भारत में ही है, सबसे कम वर्षा जो होती है वो लाल सागर से लेकर मंगोलिया तक विस्तृत जो क्षेत्र है, यहाँ पर 10 सेंटीमीटर वाला क्षेत्र पाया जाता है, मतलब एशिया में सबसे कम वर्षा भी होती है और एशिया में सबसे ज़्यादा वर्षा भी होती है। तो लाल सागर से लेकर मंगोलिया तक का जितना रीजन है, जो ये चीन का ये वाला क्षेत्र है, इसमें सबसे कम
कम वर्षा पाई जाती है ये वाला क्षेत्र, यहाँ से एक बार दिखाता हूँ मैं आपको, ये आप देख रहे हैं ना मरुस्थलीय क्षेत्र पूरा पड़ता है आपका, यहाँ से लेकर ये पूरे क्षेत्र से लेकर के ये मंगोलिया रीजन जो आप देख रहे हैं यहाँ पे सबसे कम वर्षा पाई जाती है। कितनी वर्षा पाई जाती है? 10 सेंटीमीटर वर्षा पाई जाती है। और ज़्यादातर ये क्षेत्र कैसा है? रेतीला मरुस्थल में बदल गया है, रेतीले मरुस्थल का क्षेत्र बन गया है। और सबसे ज़्यादा वर्षा पाई जाती है यहाँ पर, यहाँ पर मेघालय, ये जो पूरी नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र है उसमें, यहाँ मेघालय में मासिनराम में, पहले चेरापूंजी हुआ करता था, मासिनराम हो गया है, पैटर्न बदल गया है। 1200 सेंटीमीटर वर्षा होती है यहाँ पे, 1200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे नेक्स्ट सेशन पे। ठीक है, तो एक बार मुझे बताएं कैसे आपको कैसा लगा आज।